हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिनेत्री कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई आज टल गई। कोर्ट में बीएमसी ने आज कहा कि हमने सिर्फ अवैध निर्माण गिराया है। कोर्ट ने 18 सितंबर तक बीएमसी से और जवाब मांगा। तोड़फोड़ के बाद आज पहली बार कंगना अपने दफ्तर पहुंची। पूरे दफ्तर में घूम घूम कर बिखरा सामान देखा, सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। कल कंगना मुंबई लौटी थी, उनके आने से पहले ही बीएमसी ने पाली हिल के दफ्तर में जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ की। इसके बाद कंगना ने उद्धव सरकार पर सीधा हमला बोला। कंगना पर शिवसेना ने जैसे बदली रणनीति, आज संजय राउत बोले हमारा मामला खत्म हुआ। बीएमसी ने भी जो कार्रवाई की है वो बदला नहीं है। कल कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण तोड़वाने वाली बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर को कोरोना संक्रमण हुआ। हिमाचल के शिमला में कंगना रनौत के समर्थन में सड़कों पर उतर गए लोग, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल की ही है कंगना रनौत। आज रात भी भायकला जेल में ही रहेगी रिया। रिया चक्रवर्ती की जमानत पर आज फैसला नहीं, सेशन कोर्ट कल करेगी सुनवाई। चीन की हरकतों पर वायुसेना की पैनी नजर है। लद्दाख में रात को नाइट विजन से वायुसेना चीन के हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव बरकरार। चीन ने यहां 50,000 सैनिक और 100 एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर गांवों को खाली कराने की अफवाह फैली। सेना ने लोगों से ऐसी अफवाहें ना मानने की अपील की है। सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का बना है हिस्सा। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले राफेल का एयरफोर्स में आना पूरी दुनिया को कड़ा संदेश है, दुश्मन देशों को लगेगा डर। रूस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को नहीं दिया कोई भाव। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से ना मिले, ना सीधे मुंह बात की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बस स्टॉप के पास एक आईईडी बम मिला। सुरक्षा बलों ने समय रहते बारूद को नष्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जैश ए मोहम्मद के दो आतंकी गिरफ्तार। दोनों आतंकी सोपोर में और आतंकियों की भर्ती करने जा रहे थे। पीएम मोदी ने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार। मछली पालन को प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम मोदी ने आज बिहार में मछली से जुड़ी 107 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की है। पटना में 80 रुपए में मिलेगा मछली चावल का स्वाद। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तेजस्वी यादव की लालटेन मुहिम को बताया फेल। कल रात 9 बजे तेजस्वी ने लोगों से बेरोजगारी के मुद्दे पर लालटेन जलाने की अपील की थी। बिहार में चुनाव से पहले लालू की पार्टी को बड़ा झटका। आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। अभी बीमार चल रहे हैं रघुवंश। कोर्ट में पेशी के दौरान बाहुबली विधायक अनंत सिंह बोले तेजस्वी को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। अब अपने पुराने साथी नीतीश पर बरस रहे हैं अनंत सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं। कहा बंगाल में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, चुनाव में हम चुप नहीं रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खाते से फर्जी चेक लगाकर 6 लाख रुपए निकाले गए। 3 बार पैसे निकालने की हुई कोशिश, पुलिस ने जांच शुरू की। हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली अमृतसर हाईवे को ठप किया।
कृषि से जुड़े मोदी सरकार के अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। यूपी के जौनपुर में आधार कार्ड बनवाने के लिए भारी भीड़ लग गई। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे। पुलिस भी हालात संभालने में नाकाम दिखी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों से अपील है, कोरोना के लक्षण वाले जिन लोगों का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आए उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाए। कल देश में पहली बार कोरोना के 95,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। 1172 लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना 75,000 लोगों को मार चुका है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आज गुजरात में पार्क खुल गए। वडोदरा में लोगों ने पटाखे जलाकर पार्क खुलने का जश्न मनाया। दिल्ली मेट्रो आज से 3 और रूट पर चलनी शुरू हो गई है। रेड, पिंक और वायलेट लाइन पर यात्रियों ने सफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक बढ़ाया। केंद्र से 2 हफ्ते में ठोस फैसला लेने को कहा गया है। तब तक किस्त ना दे पाए तो एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। यूपी के गाजीपुर में बेकाबू ट्रक ने बस समेत कई गाड़ियों को टक्कर मारी। एक गाड़ी टक्कर के बाद मंदिर से टकरा गई। कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। हैदराबाद में एक निजी स्कूल की इमारत में आज सुबह भीषण आग लग गई। स्कूल बंद होने की वजह से बच गए लोग। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी का कहर जारी है। घाघरा नदी में बाढ़ की वजह से एक पुल ढह गया। कई गांवों से यहां संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर पहाड़ टूटने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। मलबा हटाने का कल से काम जारी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि लाउडस्पीकर बजाने को लेकर ये झगड़ा हुआ। यूपी के मथुरा में चौकी में घुसकर पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडों से हमला हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया हमला। सभी आरोपी फरार। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क पर मोबाइल चुराने की कोशिश की गई तो भीड़ ने आरोपी को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मामूली विवाद में हुआ मर्डर। आरोप दोस्त पर ही लगा है। गुजरात में आनंद कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विभाग का दावा, मादा गधे के दूध में बीमारी ठीक करने की ताकत होती है। 7,000 रुपए लीटर तक बिक सकता है ये दूध।